हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं श्वेता और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी पे। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है मोटिवेशनल क्लास का, और आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज विचार की जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, देर ना करते हुए मैं टॉपिक को आप लोगों के सामने रख रही हूँ। हमारा टॉपिक है सुने सबकी करे अपने मन की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक है, सुनना सबका करना अपने मन का है। यह बात को आप ग्रहण कीजिए, बात केवल सुनने वाली नहीं है, इस बात पे आप विचार कीजिए और इस बात को अपने ऊपर उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सजेशन देने वाले न जाने बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग तरीके के बहुत सारे सजेशन देंगे। तो अगर आप उतने सारे लोगों का सजेशन लेते चले जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे, आप ही सोचिए ना। क्योंकि सजेशन देने वालों की कमी नहीं है यहाँ। तो आपको क्या करना है, आप कहाँ क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में कौन आपसे बेहतर जान सकता है, आप ही बताइए। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये चीज मुझे पता है ना, क्योंकि मैं अपने आप को जितना जानती हूँ शायद ही कोई मुझे उतना जान पाएगा। तो वही चीज है, आपको सजेशन सबकी लेनी है, सबकी राय को सुनिए बट अपनाइए वही जिससे आपका फायदा हो, जिससे आपको आपके अपने जो लक्ष्य हैं उस पे आपको बढ़ने में आपको फायदा हो। तो यकीन मानिए, यहाँ पे क्या है कि आपको सजेशन देने वाले आपके भाई, आपके पिता, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव, आपके समाज वाले बहुत सारे लोग हैं, आस पड़ोस वाले सभी आपको अनेकों प्रकार के सजेशन देंगे। सब आपको अलग अलग क्षेत्र में आपको बढ़ने के लिए बताएंगे कि यहाँ चले जाओ, ये कर लो बहुत अच्छा होगा, आप वो कर लो, जैसे कि मेडिकल का फील्ड अपना लो, आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे बहुत अच्छा रहेगा, बीटेक कर लो इंजीनियर बन जाओगे, एमबीए कर लो, इस तरीके के बहुत अलग अलग फील्ड बताएंगे, बीएड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, न जाने बहुत तरह की सजेशन, बहुत तरह का, अनेकों तरह का सजेशन आपके पास आएगा। क्या एक इंसान सब कुछ कर सकता है, आप बताइए, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपको पता होगा ना कि आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्या करना चाहिए आपको, ये आपको पता होगा, आपको अपने स्टेमिना के बारे में पता होगा। जरूरी नहीं है कि आज अगर सब ज्यादा लोग अगर यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो आप भी वही काम करें। आपको वो चीज करना है जिससे आपको सक्सेस मिले, जिसमें सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट हो, उस चीज को जानने की कोशिश कीजिए, अपने इंटरेस्ट को जगाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम आप खुद को जानने की कोशिश करें, मैं क्या हूं और मुझसे क्या हो सकता है, किस काम के लिए मैं किस काम को अच्छे से कर सकती हूँ, इस बात को जानिए। इस बात को जानेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सुनना सबकी है, सबकी राय को लेना है, सबकी बात को मानना है, लेकिन अपने पे जो फॉलो करना है, अपने आप पे जो उतारना है, वही जो आपका मन कहे। क्योंकि कितनी बार दोस्तों क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि सबकी बात को तो सुन लेते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं, बट क्या होता है ना कि दूसरे की बात सुन के आप उस चीज को उतार लो, उस चीज को फॉलो कर लो, ठीक है उसका सजेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है, हम मान लेते हैं, आप उस काम को, उस सजेशन को मानते हुए आगे बढ़िए। फिर अगर आगे चल करके आपको पछतावा हो, उसमें आपका दिल ना लगे, उस काम को करने में आपका दिल ना लगे, तो फिर बताइए ना, वैसा सजेशन आपको क्या फायदा किया, कुछ नहीं। अब शुरू में बहुत ही खुश होके उसके सजेशन को मान लिए, आगे चल के आप पछता रहे हैं कि अच्छा होता कि मुझे जो करना था, मैं जो चाह रही थी वही करती। तो इससे अच्छा है ना कि दूसरों का सजेशन मान के पछताने से अच्छा है कि आप सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की। क्योंकि बहुत सारा स्ट्रीम है, बहुत सारा फील्ड है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। लोगों ने इस चीज को, लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि काम को छोटा या बड़ा कर दिए हैं,
सब्जेक्ट में डिफरेंस करते हैं लोग, ठीक है अलग अलग सब्जेक्ट है, डिफरेंस है अलग अलग, बट ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और कोई बहुत खराब है। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या खराब नहीं होता, उसके इम्पोर्टेंस को समझिए, उसकी वैल्यूज को समझिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का एक अपना वैल्यू है, अपना इम्पोर्टेंस है। वैसे ही हर एक फील्ड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक वैल्यू है। तो आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है, कौन सा फील्ड लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। पता है कब सबसे ज्यादा लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उथल पुथल में रहते, समझ नहीं आता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जो बच्चे ट्वेल्थ कर रहे हो या फिर ट्वेल्थ कर जाते हैं, ट्वेल्थ करने के बाद सबसे ज्यादा लोगों में मतलब इस टाइप की बातें और लोग दूसरे की बात सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके मन में ना अनेकों तरह का विचार आता है, क्या करें, क्या ले क्या नहीं ले, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, कौन सा बेकार होगा, या फिर सब सब्जेक्ट में अच्छा लगता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी बहुत सारे सब्जेक्ट ट्वेल्थ में जितने जो मेरा पेपर था उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे को पसंद थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ भी कर सकती हूँ, बट आपको करना तो एक ही है ना, अगर आप कर रहे हैं तो कोई एक ही फील्ड में अच्छा कर सकते हैं ना, इसीलिए आप ऐसी बहुत सारी उथल पुथल आती है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की सजेशन देते हैं, मेरे को भी बहुत सारा सजेशन मिला, बट मैं क्या की कि मुझे जो चीज करना था, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, मैं वही सब्जेक्ट ली और उसमें आगे बढ़ी। अभी भी मुझे जो करना है मैं वही करती हूँ, सजेशन सबकी सुनती हूँ, सबकी बातों को सुनती हूँ, मुझे उसमें जो अच्छा लगता है उसको अपने आप पे उतारती हूँ, अन्यथा मैं जहां सुनी उस बात को वहीं छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि किसी की बात को सुनने में आपको नुकसान नहीं है, बशर्ते उस चीज को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपको फायदा है तभी सुनिए, आपको सजेशन लेना है, आपको मार्गदर्शन लेना है, तो आप उस फील्ड में लीजिए ना जिस फील्ड में आपको जाना है, उस फील्ड के व्यक्ति को जानिए, उस फील्ड वाले व्यक्ति से सजेशन लीजिए ना, वो आपको जितने अच्छे से बताएंगे शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति उस फील्ड बता सकता है, उस बारे में दूसरे फील्ड के व्यक्ति उस चीज के बारे में एकदम नहीं बता सकते। तो फिर आपको सजेशन लेना ही है, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको एक मार्गदर्शन चाहिए, हर एक इंसान को एक मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए होता है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। अगर आपको सही टाइम पे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप बहुत ही अच्छा कर लेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे। तो इसीलिए मार्गदर्शन लेने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सही राय चुनिए, सही विचार को अपने ऊपर ढालने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग, आप खुद में सोचिए और विचार कीजिए कि आपको बहुत सारे लोग बहुत तरीके के सजेशन देते हैं, ऐसा कर लो अच्छा रहेगा, वैसा कर लो अच्छा रहेगा, अरे मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे से ज्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जानता। तो आप करें वही जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका दिलचस्पी हो वही काम इंसान को करना चाहिए। बिना इंटरेस्ट का अगर आप कोई भी काम कर ले, चाहे स्ट्रीम कितना भी बड़ा हो कितना भी अच्छा हो, बट आपको उस चीज में सक्सेस नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको वही काम करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।